हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सारे अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर वापस आ गए हैं आज के अपने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो फटाफट से आज के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उस पर जो आपका डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो आपका एरो इंडिया 2021 से रिलेटेड है। तो बेंगलुरु सिटी विल होस्ट द एरो इंडिया 2021। तो यार 2021 का जो एरो इंडिया जो अपना होस्ट हो रहा है वो बेंगलुरु के द्वारा होस्ट किया जा रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी एरो इंडिया 2021 में आपको पता ही है एयर शोज़ होते हैं जो अपने, और बाकी राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च की है वेबसाइट इसके लिए दिल्ली में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी चलिए अगले करंट अफेयर पे जाते हैं। और अगला जो करंट अफेयर है वो आपका WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन से रिलेटेड है। थाईलैंड होस्टेड द 73rd रीजनल कमिटी ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। तो यार ये अपनी थाईलैंड जो है ये 73rd रीजनल कमिटी ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया जो है अपना इनॉग्रेट करने जा रही है, और इनॉग्रेट किया है मतलब कि इस पे मतलब होस्ट किया है जो थाईलैंड ने, और इसमें अपनी इंडिया की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन थे जो वर्चुअली इन्होंने ज्वाइन किया था। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जो 73rd रीजनल कमेटी ऑफ WHO साउथ ईस्ट हुई है वो थाईलैंड के द्वारा होस्ट की गई है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला जो करंट अफेयर है वो आपका मेघालय से है। मेघालय लॉन्च इंडियाज लार्जेस्ट पिगडेरी मिशन। तो यार इसमें क्या होता है मतलब आपको पता है वो पोर्क जो होता है, पोर्क मतलब जो सुअर का मीट होता है, इसके लिए जो अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर है कैलाश चौधरी जी, इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है पिगडेरी मिशन करके। इसमें मतलब कि जो पोर्क का मीट होता है, जो पिग का मीट होता है उसके मतलब सेल और प्रोडक्शन के लिए मतलब ये मिशन स्टार्ट किया है। पता नहीं और ये क्या है, मतलब आप भी वेजिटेरियन है और मतलब बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे वेजिटेरियन है फिर भी ये पिगडेरी क्या ज़रूरत है, लेकिन अब ये किया है गवर्नमेंट के थ्रू, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला जो करंट अफेयर है वो आपका प्रगति एंड सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम से रिलेटेड है। प्रगति एंड सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च्ड बाय जम्मू कश्मीर। तो यार ये जम्मू कश्मीर के द्वारा प्रगति एंड जो सक्षम स्कॉलरशिप है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है इस स्कीम में मतलब जो स्कॉलरशिप का जो अमाउंट था वो बढ़ा दिया गया है। मतलब कि ये जो अपना सक्षम स्कॉलरशिप है, ये जो अपने जो डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं मतलब जो 40% डिसेबल होते हैं उनके लिए मतलब ये स्कीम आई हुई थी, तो इसमें इन्होंने स्कॉलरशिप बढ़ा दी है। मतलब ये किसी भी अपने टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो है मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से ये सीख सकते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जो प्रगति एंड सक्षम स्कॉलरशिप है ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, बाकी इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला जो करंट अफेयर है आपका वो सिटी बैंक से रिलेटेड है। जॉन फ्रेशर हैज़ नेम्ड एज द फर्स्ट फीमेल CEO ऑफ सिटी बैंक। तो मतलब कि ये अपनी फ्रेशर जो है जेनी फ्रेशर, इन्होंने मतलब कि ये इनको CEO बनाया गया है और ये पहली महिला CEO बनी है सिटी बैंक की, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी 1812 में ही सिटी बैंक का स्थापना हुई थी, और जब ये स्थापना हुई थी तब इसे सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क कहा जाता था, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि सिटी बैंक की जो पहली महिला CEO बनी है वो जेनी फ्रेशर है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो अगला जो करंट अफेयर है वो आपका जापान से रिलेटेड है। तो ये जो अपने US Open ये अपने ओसाका हैज़ वॉन द वुमेंस US Open टाइटल। तो 2020 का जो US Open जो टाइटल है ये ओसाका ने जीता है, और जो बाकी ओसाका है ये अपनी जापान से बिलोंग करती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि 2020 का जो US Open टाइटल जीता है वो ओसाका ने जीता है। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही। अगर आपको हमारे सारे करंट अफेयर हेल्पफुल लगे तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वॉच मोर वीडियोज लाइक दिस।